लोनी में 17 सितंबर के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। पूरे देश भर में आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना हो रही है और जगह जगह शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। ऐसे में जनपद गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के अंदर शोभा यात्रा की रैली निकाली गई, जिसमें विश्वकर्मा समाज के कई लोग मौजूद रहे जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही जिस तरीके इतिहास में पहली बार ये रैली निकाली गई है। आपका? मेरा नाम यशपाल पांचाल। सर, आज लोनी विधानसभा के अंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शोभा यात्रा लोनी के अंदर है। बड़ी अच्छी बात है, मैं यहाँ विश्वकर्मा शोभा यात्रा का आयोजन करता हूँ को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विश्वकर्मा पूजा दिवस के अवसर पर ये शोभा यात्रा निकालने का प्रोग्राम बनाया है। भगवान विश्वकर्मा जी को तो पूरे हिंदुस्तान के वर्ल्ड में पूजा जाता है, सृष्टि के निर्माता इनको कहा गया है कि सृष्टि के निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा जी, भगवान श्री राम रहे हों, भगवान श्री कृष्ण रहे हों, जब भी इनको आवश्यकता पड़ी इन्होंने इनकी आराधना की और इन्होंने इनके लिए वो भी बनाया, सुदर्शन चक्र भी बनाया, समुद्र के किनारे जब इनको याद किया भगवान राम ने तब वो उपस्थित होकर उनकी भी मदद की, द्वारका इन्होंने बनाई, लंका भी इन्होंने बनाई। तो भगवान ये सृष्टि के निर्माता, बिना विश्वकर्मा जी के दुनिया का कोई काम हो नहीं सकता है। लोहे से लेके सोने चांदी तक आदमी का श्रृंगार सोने चांदी से होता है। घर में जो काम आते हैं, किसानी के काम आते हैं, वो हल पाते आते हैं, मूर्ति जो पत्थर से मूर्ति बनाते हैं तो वो भी भगवान की, जो राम मंदिर राम की मूर्ति हो, चाहे कृष्ण की मूर्ति हो, चाहे भगवान विश्वकर्मा जी की, यही विश्वकर्मा वंशी बनाते हैं। तो विश्वकर्मा वंशी अगर आज अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आगे कितनी और शोभा यात्रा निकाली जाएगी? नहीं, ये तो जगह जगह पर आयोजन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, ये हमारे अखिल भारतीय विश्वकर्मा विराट संघ के नाम से बहुत जगह पर हो रहे हैं। तो मैं चूँकि दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली में, यहाँ मेरी उपस्थिति जरूरी थी इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, वरना इंदौर में भी आज प्रोग्राम था, वहाँ भी मुझे बुलाया था, गुजरात में भी प्रोग्राम था, वहाँ भी बुलाया था, लेकिन यहाँ मेरा घर है तो यहाँ मेरा रहना अनिवार्य है।